इन्हें ये टॉर्चर पसंद आता है सीक्रेटली, तो इसलिए मैं करता हूँ। जिस दिन इन्हें अच्छा नहीं लगेगा उस दिन बंद कर दूंगा मैं। अरे जैसे वो बच्चे नहीं होते, मतलब यू नो बचपन में व्हेन यू लाइक अ गर्ल यू स्टार्ट पुलिंग हर हेयर एंड एवरीथिंग, तो अभी इज लाइक दैट। दैट्स ट्रू, अभी इज लाइक दैट। नॉट श्योर, नो द डे आई विल पुल हर हेयर इज द डे आई विल लाइक हर। आई हैवंट पुल्ड हर हेयर एग्जैक्टली। अच्छा मेहंदी राइट नाउ आई एम स्टिल एट द बैग, आई एम पुलिंग अ स्कूल बैग। नहीं एक्चुअली ये पहले नाराज थे तो इसलिए लेट आए, क्योंकि इनका दोस्त लेट आया तो ये भी लेट आए। एक्चुअली हुआ क्या था कि कल रात को डिनर टेबल पे जब पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहा था तब बातचीत चल रही थी कि राशन का जो पैसे है वो ख़त्म हो रहे हैं। अभी जो है शादी के बाद वो परफॉर्मेंस छोड़कर बस प्रज्ञा को चिमटी विमटी खींचता रह रहा है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस वाले क्योंकि हमने सगाई में दो दो बार डांस किया तो मेहंदी वाले फंक्शन में हमने डिसाइड किया कि अभी जो है वो जाकर वहाँ पर नाचेगा जहाँ पर उसको पैसे मिलेंगे और घर में लेडीज अपना मस्ती वाला डांस करेगा। सो दैट वाज द सीक्रेट बिहाइंड मी मिसिंग फ्रॉम। कैन यू फाइंड इट, कैन यू फाइंड इट? अरे पहले आप यहाँ दिखाओ। नहीं नहीं शादी के टाइम पे भी इतनी सारी मेहंदी लगाई थी मैंने, उस टाइम बस ए नहीं लिखवाया था। नहीं उस टाइम नहीं लगवाई थी, उस टाइम हमने कुमकुम भाग्य लिखवाया था। तो दो दिन तक घर नहीं जा पाई क्योंकि बाहर जो है वहाँ पर एक सिक्योरिटी कैबिन है। हाँ, और जिस भी प्रॉपर्टी पर केकेबी लिखा होता है वो ऑन सेट प्रॉपर्टी होता है। हाँ, तो क्योंकि इनके हाथ में केकेबी लिखा हुआ था उनको लगा मैं प्रॉपर्टी हूं।